ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक टीएमसी के नेता घोटालों में फंसते जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। बीते कई सालों से टीएमसी और उनके नेताओं की लगातार पोल खुल रही है और ममता बनर्जी को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। अब एक बार फिर टीएमसी के एक नेता की पोल खुल गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के एक और करीबी नेता को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने की है। ईडी ने ममता बनर्जी के करीबी कुंतल घोष को दबोचा है। कुंतल घोष टीएमसी के यूथ विंग के सदस्य है। कुंतल के फ्लैट पर ईडी ने शुक्रवार को छापा मारा था। जानकारी के मुताबिक ईडी को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े तमाम सबूत कुंतल के फ्लैट से मिले थे, जिसके बाद कुंतल घोष को केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जाँच सीबीआई कर रही है और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ये जाँच हो रही है। सीबीआई के मुताबिक साल 2014 और 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में घोटाला किया गया था। और साथ ही सीबीआई का कहना है कि टीएमसी के नेताओं ने भर्ती कराने के लिए कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही की थी। पश्चिम बंगाल निजी संचालित कॉलेजों और संस्थानों के संघ के अध्यक्ष तापस मंडल ने पूछताछ के दौरान कुंतल का नाम लिया था। कुंतल पर तापस मंडल ने रकम उगाहने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में पिछले साल ही ईडी ने ममता सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और एक एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई इस कथित घोटाले की जांच पिछले साल से ही कर रही है और सरकारी स्कूलों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलावा शिक्षकों की भर्ती का ये मामला है। आरोप है कि चयन परीक्षा में फेल हुए अभ्यर्थियों को भी 5 लाख से 15 लाख की रिश्वत लेकर सरकारी स्कूलों में नौकरियां दी गई, जिसके बाद मामला सामने आने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी और अब इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है और एक एक कर टीएमसी के नेता जेल जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे आज पूरे देश का प्यार मिल रहा है। फर्श से अर्श का सफर करने वाली ये पार्टी जिसने देश की दशा और दिशा बदल कर रख दी है। विपक्षी पार्टियां जो लगातार अपनी छाती इसी बात को लेकर पीटती रहती है कि बीजेपी सरकार जनता को रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को इस मुद्दे पर ऐसा घेरा है कि उनके लिए अब बोलना भी मुश्किल हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्ति करीब 71,426 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गए हैं और साथ ही भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित और पारदर्शी हुई है। पीएम मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम साफ दर्शाता है कि उनकी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। मोदी ने कहा कि निरंतर होते ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरण का ये तीसरा चरण था। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में आयोजित रोजगार मेले के दौरान विभिन्न पदों पर चयनित 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। इससे पहले अक्टूबर महीने में रोजगार मेले के माध्यम से करीब 75,000 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पारदर्शी तरीके से भर्ती युवाओं में भरोसा जताती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ प्रतियोगिताओं में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी ने रोजगार का ऐसा मेला लगाया है कि विपक्षी नेता इसमें खो जाएंगे और मोदी के खिलाफ उनके पास लोकसभा चुनाव के दौरान कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। पीएम मोदी जो बात बोल रहे हैं वो करोड़ों लोगों की आवाज है जो बीजेपी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि पब्लिक को सब समझ आ गया है कि किसके कथनी और करनी में अंतर है। पीएम मोदी के अहम कदम पर
अब किसी भी पक्ष की आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस बात पर भी वो भगवा दल को घेरने की कोशिश करेंगे तो जनता 2023 में होने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। बिहार की राजनीति अपने चरम पर है और महागठबंधन की हालत बेहद बेकार। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के सपने भी बड़े बड़े हैं। अभी तो वो फिलहाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें भाव नहीं दे रहा है और अब लगता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से जेडीयू के ताजा तकरार के कारण नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड को लेकर फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार की दूरी पहले से ही साफ साफ नजर आ रही है और साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये साल यानी 2023 बिहार की राजनीति में काफी उठा पटक वाला रहने वाला है। कई नए सियासी समीकरण को लेकर कयासबाजी चल रही है। बीते साल नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्ष के कई नेताओं के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पूरे विपक्ष को एकजुट करने की अपील की थी। विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इसके बाद इस दिशा में कोई खास विकास देखने को नहीं मिला और हाल ही में कुछ विपक्षी नेताओं का केसीआर की रैली में जुटना भी नीतीश कुमार के लिए झटका था। केसीआर की रैली में नीतीश कुमार को न्योता तक नहीं भेजा गया। ये तो रही दिल्ली और देश की बात, लेकिन बीते दिनों बिहार में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। रामचरितमानस को लेकर दिए बयान पर जेडीयू ने बिना समय गवाए बीजेपी से अधिक आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को घेरा और इस मामले में जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं से लेकर नीतीश कुमार तक ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से अपना बयान वापस लेने के लिए कहा। वहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव ने खुलकर अपने मंत्री के स्टैंड का बचाव किया। तेजस्वी ने तो नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए यहां तक कह दिया कि संविधान ने सभी को अपनी बातें कहने का अधिकार दिया है। वहीं समय समय पर आरजेडी के तमाम नेता नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी खाली कर तेजस्वी को सौंपने का भी दबाव बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर जेडीयू और आरजेडी के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार का मन एक बार फिर डोल रहा है। वहीं नीतीश कुमार के खास उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात हुई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की एनडीए में घर वापसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं या वो खुद बीजेपी के साथ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। इन तमाम सियासी घटनाओं के बीच बिहार में एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म है। कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार फिर एक बार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। वहीं कुछ का ये कहना है कि बिहार में नई सरकार तो जरूर बनेगी, लेकिन नेतृत्व बीजेपी के हाथ में होगा और नीतीश कुमार के लिए केंद्र में एक बड़ी जगह दी जा सकती है। तो ये ताजा स्थिति है बिहार की। लेकिन सीएम नीतीश कुमार को एक बात ये क्यों समझ नहीं आ रही है कि वो टक्कर भी किससे लेने निकले हैं? भगवा दल से, और वो भी उस भगवा दल से जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को केंद्र से उखाड़ फेंका है। तो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की क्या बिसात है? अब देखना यह है कि बिहार में खेला कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।